जिला रेवाड़ी के बावल नगर पालिका के चुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन था। अब तक कुल 13 उम्मीदवारों ने चेयरमैन पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, जबकि 13 वार्ड पार्षदों के लिए 44 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। वार्ड नंबर 6 से केवल एक ही उम्मीदवार ने आज पर्चा भरा है। आपको बता दें कि 13 वार्ड की बावल नगर पालिका में करीबन 11,000 वोटर्स हैं। 19 जून को मतदान किया जाएगा और 22 जून को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। 7 जून को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह जारी कर दिए जाएंगे। आज जो है चेयरमैन प्रेसिडेंट के लिए 9 आए हैं और पार्षद के लिए 31 आए हैं और टोटल जो है हमारे पास प्रेसिडेंट के 13 नॉमिनेशन फार्म हैं और पार्षद के लिए 44 फार्म आए हैं। वार्ड बावल नगर पालिका में 13 हैं और वोट लगभग 11,000 हैं। बावल नगर पालिका चेयरमैन के लिए कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें बीजेपी की टिकट पर शिव नारायण और आम आदमी पार्टी की टिकट पर सही राम, वहीं बिना टिकट जजपा का समर्थित उम्मीदवार दीनदयाल सैनी और निर्दलीय वीरेंद्र सिंह, विजेंदर, सुमेर सिंह, रामकिशन, चंद्रपाल, किरण, हीरालाल, प्रदीप, धर्मवीर और प्रदीप शर्मा चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने सबसे पहले ये ऐलान किया था कि भाजपा निकाय चुनाव में नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए टिकट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव अकेली लड़ेगी, साथ ही नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए चुनाव टिकट पर लड़ेगी या नहीं इसका निर्णय जिला पदाधिकारियों पर छोड़ा था, जिसके बाद जजपा ने टिकट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी और बावल नगर पालिका से दीनदयाल सैनी को टिकट देने की घोषणा की थी। लेकिन बाद में भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। अभी बावल की स्थिति ये है कि भाजपा ये कह रही है कि भाजपा जजपा मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जजपा जिला अध्यक्ष ने दीनदयाल सैनी का आज निर्दलीय पर्चा भरवाया है। आज नामांकन भरने आए उम्मीदवारों और भाजपा जजपा नेताओं ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। गठबंधन की बात हो रही थी, अब जजपा अलग लड़ रही है, भाजपा अलग लड़ रही है, कहीं फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, अलग कहाँ लड़ रहे हैं, यहाँ तो अलग है। नहीं, गठबंधन से लड़ रहे हैं सब जगह ऐसे? नॉमिनेशन तो उन्होंने भी अलग कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, गठबंधन है और जजपा और साझा उम्मीदवार है हमारा मास्टर शिव नारायण जी। नहीं, अभी अभी जजपा के जो जिला अध्यक्ष थे वो नॉमिनेशन करवा के गए, झंडे पे उनका काफिला निकला है। ऐसा है, कोई झंडा लगा के पटका लगा चले तो बात अलग है, जो सिस्टम है, जो नीति है, जिसके हिसाब से हाँ पहले था ये, लेकिन उसके बाद दोनों साझा उम्मीदवार के तो आगे पूरी नहीं लड़ रही। जो सीनियर नेतृत्व उनकी बैठ के बातें हुई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट ही पर देखे अभी उन्होंने कैसे चुनाव लड़ाना है, उन्होंने दोनों पार्टियों डिस्ट्रिक्टों के ऊपर छोड़ दी, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट ने फैसला लिया कि हमारे कैंडिडेट दीनदयाल सैनी जी। नहीं, पहले टिकट दे दी थी, लेकिन अब एंड टाइम पे तो अब क्या टिकट नहीं लग रहे अभी है? नहीं, हमारे पार्टी वो टिकट नहीं दे रहे, हम कहीं भी नगर पालिका में टिकट नहीं दे रहे, हमारा कैंडिडेट दीनदयाल सैनी जी, लेकिन समर्थन हमारा पूरा है और हमारा कैंडिडेट है। आज नगर पालिका बावल के चेयरमैन का जो नॉमिनेशन फाइल किया है और भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर शिव नारायण जी को अपना प्रत्याशी बनाया है और उन्हीं के आज नॉमिनेशन में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से लोगों में जोश देखा गया है, तो जिस तरह से पिछले दो टर्म विधानसभा में भी कमल खिला है बावल के अंदर और आज नगर पालिका में भी कमल खिलने जा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश है। और पिछले 7.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में रही है और 8 साल से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार रही है, तो दोनों सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, विकास कार्यों में काफ़ी अच्छा काम किया है और जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएँ हैं वो भी लोगों को दी हैं और आम आदमी के उत्थान का जो प्रयास अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि नगर पालिका बावल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मास्टर शिव नारायण जी विजयी होंगे और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा।